दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22x36 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल होने वाला है आपका। और यहाँ पर जो साइज़ की बात करें, देखिए आपका जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया है 22x36, ये केवल ये है जिसमें मकान बना है। आसपास जो बाउंड्री सा आपका जो दिख रहा है, ये आपका एरिया नहीं है। आप इसके सोच सकते हैं कि आसपास आपके घर बने हुए हैं। सिर्फ आपका ये एरिया है जितने में ये मकान डिजाइन मैंने किया। ये यहाँ इस पिलर से लेकर इस वॉल तक 22 फीट है, और आगे वाले पिलर से लेकर पीछे वाली वॉल तक आपका 36 फीट है। तो 22x36 फीट में मकान डिजाइन किया। ये बाउंड्री मैंने सिर्फ इसलिए बना दी है डेकोरेशन की वजह से, और उसका कोई पर्पज़ नहीं। ये जगह दूसरे की हो सकती है, आसपास घर बने हो सकते हैं। तो मेन मॉडल आपका ये है 22x36 में। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा मॉडल होने वाला है आपका। तो पूरा प्रॉपर तरीके से मैं डिस्कस करूँगा। बने रहिए लगातार। मैं हूँ झागड़, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और जो रेड कलर का बटन आता है उस पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर क्लिक कर दिया करें, और घंटे वाले निशान पर भी क्लिक कर दिया करें, जिससे मेरे आने वाले आप सभी वीडियो लगातार देख सका करें। तो चलो आज का जो मॉडल है, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक भी देखने को मिले। प्रॉपर तरीके से इसकी रेलिंग है, जो ग्रिल है, देखिएगा जो आपको दिख रही ग्रिल आपको बहुत ही स्टाइलिश देखने को मिल रही है। और जो चढ़ने का मेन आपका फ्रंट एरिया ये है, यहाँ से स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आपको एक मिल जाता है पोर्च या बारंदा टाइप से बोल सकते हैं। साइड्स भी आप देखिए, तो ये आपका पोर्च या बारंदा टाइप को देखने को मिलता है, जहाँ पर रेड कारपेट सब बिछा हुआ है। ये आपका पोर्च या बारंदा है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो पूरा ओवरऑल मॉडल आपको देखने वाला है। सबसे पहले दो पिलर मिलते हैं, जो कि पिलर थोड़ा मॉडर्न बने हैं, आपके ओल्ड डिजाइन वाले बने हैं, जिसमें काफ़ी डिजाइन वगैरह होती थी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये मॉडल आप बाहर से या पुट्टी वाले से बनवा सकते हैं। स्टेयर से आगे जाएंगे, स्टेयर फिर इसके ऊपर एक बीम पड़ा हुआ है, हल्का सा स्लोप भी, जो आप ये देर कलर देख रहे हैं, ये नीला वाला कलर, ये हल्का सा स्लोप टाइप में। इसके बाद जैसे आप एंट्री करते हैं मेन डोर से, तो आप आ जाते हैं बारंदे में। इस बारंदे से मेन डोर आपका ये है। मेन डोर के दोनों तरफ विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, साथ साथ आपके घर का एक लुक भी बेहतरीन सा बनने वाला है। और ये जो आपका डिज़ाइन है, ये आपका एक विंडो है जो कि आगे मैंने दिया है। आप जैसे एंट्री करते हैं, ये गेस्ट रूम पहले आपको मिलता है। इस गेस्ट रूम में जाने के लिए ये देखिए, गेस्ट रूम में आपको चले जाते हैं, और आसानी से यहाँ पर इस डोर के माध्यम से अंदर जाते हैं। इसी गेस्ट रूम से भी तो अंदर भी जा सकते हैं, एक और मैंने डोर दिया तो इससे अंदर भी जा सकते हैं, या मेन डोर से आप अंदर जा सकते हैं। तो मेन डोर से मैं आपको अंदर ले चलूँगा। जैसे आप मेन डोर से अंदर जाते हैं, तो ये देखिएगा आप आ जाते हैं आंगन में। ये आपका आंगन है, आप इसे आंगन समझ लें, कुछ भी समझ लें, ये आपका गेस्ट रूम था। और इसके पीछे की अगर हम बात करें, ये देखिएगा इसके पीछे, तो इस कॉर्नर पर एक बेडरूम है। ये देखिएगा स्टेयर्स, स्टेयर्स के सबसे पीछे कॉर्नर पर एक बेडरूम, और आंगन से फिर ये गैलरी सी गई है, जहाँ सबसे पीछे एक लेट एंड बाथ मैंने बड़ा लंबा सा क्रिएट कर दिया। उसके जस्ट आगे आपका किचन है। लेट एंड बाथ में जाने के लिए किचन और बेडरूम के बिल्कुल बीचों बीच रास्ता गया हुआ है। ये आपका लेट एंड बाथ सबसे पीछे कॉर्नर पर क्रिएट है, इस कॉर्नर पर एक बेडरूम क्रिएट है, लेट एंड बाथ के आगे एक आपका किचन क्रिएट है, ये आंगन है, ये गेस्ट रूम है, ये स्टेयर्स है, और आगे आपका पोर्च या बारंदा से मैंने पहले भी बताया था, ये आपका क्रिएट है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर आपका ऐसा बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके, ये देखिए इसका फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि मैंने बोला है, चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, फ्रंट में ग्रिल मैंने इस्तेमाल किए बेहतरीन से ग्रिल, और जो स्टेयर्स था उसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। यहाँ पर डिपेंड करता आप इसे बिल्डिंग बनवा सकते हैं कुछ भी। तो ये पूरा 22x36 फीट में मकान बनकर रेडी हो जाता है। मॉडल बहुत ही बेहतरीन है, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।